इंडिया से सर्विस के हम पीवीएस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स पेपर वन आईएसएस 2017 सेट ए क्वेश्चन नंबर 28 और आईएसएस 2019 सेट सी क्वेश्चन नंबर 30। देखिए आपको आपको लग रहा हो कि मैं आपको एक साथ दो क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ जाएगा कि हम दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व क्यों करें। देखिए यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है। पहला क्वेश्चन 2017 का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल रैंडम मीडियन बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ साइज 3 ड्रॉन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ। हमारे पास पीडीएफ दिया हुआ है, एग्जिट हाफ, ठीक है। ये 17 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल मीडियन बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 ड्रॉन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 0 अदरवाइज एग्जिट हाफ, ठीक है। आपको क्वेश्चन पर समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चन जो है वो डीटो सेम है। मतलब क्या है, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करें। इसका मतलब ये है कि जो आईएसएस जैसे एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं, इसीलिए आपको पीवीएसआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर आपको दो या एक क्वेश्चन भी मतलब आपको कॉमन मिल जाए तो वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ एक्स वैल्यू दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x, ठीक है। 2x कब, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है, और 0 अदरवाइज, ठीक है। ये हो गया ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स मतलब पीडीएफ दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे का जो मीडियन है वो हाफ से ज्यादा होगा। अभी आप मीडियन क्या है पहले वो समझिए। कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब एक मतलब एक पॉइंट जो दोनों मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को मिडिल मतलब मिडिल पॉइंट होता है, जिससे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, वो पॉइंट होता है मीडियन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें मीडियन निकालने के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल रैंडम मीडियन बेस्ड ऑन ए सैंपल साइज, जिसका मतलब जो मीडियन होगा वो हाफ से ज्यादा होगा वो देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एक्स ग्रेटर देन हाफ तो हम देखेंगे कि जो एक्स है वो हाफ से है, हाफ से बड़ा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहां पे देखिए, आप देखिए यहां पे एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x है, 2x dx। अभी यहां पे लिमिट समझना बहुत ही है, एक्स जो है वो हाफ से बड़ा है। अभी देखिए यहां पे 0 था तो 1 जो है वो अपर लिमिट फिक्स्ड है, ठीक है, अपर लिमिट जो है वो फिक्स्ड है, लोअर लिमिट यहाँ पे हाफ होगा। क्यों, यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे पीडीएफ में था कि 0 से बड़ा है एक्स, पर हमने हमें कौन सा प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक्स जो है वो हाफ से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे होगा हाफ और 1, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे अगर वैल्यू बैठा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 बाई 4, ठीक है। अभी आप दूसरा देखिए, अभी देखिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन हाफ वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप 1 देखिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्स मतलब मैक्सिमम होता है वो 1 होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि 1 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बाई 4, तो हमारे पास दोनों जो वैल्यू है वो मिल गया। देखिए आपको हमने ये दोनों क्यों निकाला, अब देखिए मीडियन, ठीक है, मीडियन मतलब कि मतलब मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मिडिल पॉइंट है वो हमारा मीडियन है, ठीक है। अभी मीडियन अगर हाफ से ज़्यादा है मतलब ऐसा है कि जो 3 यहाँ पे सैंपल बताया हमें कि 3 है, इसका मतलब है कि जो या तो 2 सैंपल हाफ से बड़ा होगा, ठीक, या सभी सैंपल हाफ से बड़ा होगा, तभी जो है वो मीडियन जो है हाफ से बड़ा हो सकता है, ठीक ना। अभी आप देखिए हमने जो आपको कहा वो हम वर्ड में आपके लिए लिख देंगे। तो देखिए हमने आपके लिख दिया, इन टू कंडीशन मीडियन विल एग्जिट हाफ। पहला कौन सा है, इफ एनी टू ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन हाफ, हाफ से बड़ा होगा, या ऑल 3 ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन हाफ। देखिए आपको क्वेश्चन दोबारा समझना है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमारे कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका, मीडियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मीडियन जो है वो हाफ से
बड़ा होगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास सैंपल साइज दिया हुआ है, सैंपल साइज 3 है और पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, अगर वो सैंपल जो मतलब मीडियन है वो हाफ से बड़ा होगा, मतलब हमें देखना है कि जो, तब इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन है तीन में से कम दो ऑब्जर्वेशन हाफ से बड़ा होगा, तभी मीडियन हाफ हो, हाफ से बड़ा हो सकता है, या तो अगर सभी ऑब्जर्वेशन हाफ से बड़ा है तभी जो मीडियन है वो हो सकता है। तो हमें दो इवेंट मिले, हमने पहला इवेंट लिया है कि एनी टू ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन हाफ, और इवेंट भी क्या है, ऑल द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखिए हमें अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब दो ऑब्जर्वेशन जो है वो हाफ से बड़ा होगा, मतलब देखिए यहाँ पे जो है तीन ऑब्जर्वेशन है, तीन में से दो ऑब्जर्वेशन मतलब 3C2, ठीक है, तीन में से कोई दो ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हाफ से बड़ा होगा। अभी देखिए हाफ होने का मतलब, हाफ से बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है, इंटू 3/4 दो होगा, और एक क्या होगा, एक होगा 1/4, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, 3C2 के लिए यहाँ पे 3 मिला, और यहाँ पे इंटू 3/4, 3/4 इंटू 1/4, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 3 है मतलब 27/64, ठीक है। अभी वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या कहा गया कि ऑल 3 ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन हाफ, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3/4 इंटू 3/4 पावर 3, पावर 3 मतलब 3/3 एलिमेंट है, तीनों जो है वो हाफ से बड़ा है, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाए, पावर 3 हो जाएगा, मतलब है 27/64, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए रिकॉल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 27/64, आप इनको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 27/64 × 2, मतलब 27/32। तो मतलब हमें आंसर क्या मिला, हमें दोनों के लिए आंसर जो है वो सी मिला है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में पहला चीज जो आना चाहिए कि यहाँ पे हमें मीडियन निकालने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है, हमें यहाँ पे मीडियन नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मीडियन जो है वो हाफ से बड़ा है। हमें ये चीज समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियन हाफ से बड़ा है। अगर आपके दिमाग में ए आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी है, पर क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमने क्या किया, हमने पहले जो हाफ से मतलब जो एक्स का वैल्यू हाफ होने का प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 3/4, तो हाफ आपका अगर हाफ से बड़ा होने का निकाल लिया तो हाफ से कम होने का आप माइनस से माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमने ये समझ में आया कि मीडियन अगर हाफ से बड़ा है, आपको मीडियन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, पर आपको मीडियन निकालना नहीं है। मीडियन का डेफिनेशन क्या है कि मीडियन वो पॉइंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मीडियन का मतलब जो अगर हाफ से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि या तो दो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 3 है, तो 3 में से कोई भी दो ऑब्जर्वेशन हाफ से बड़ा होगा, या तीनों ऑब्जर्वेशन हाफ से बड़ा होगा। उसी कंडीशन में जो मीडियन है वो हाफ से बड़ा हो सकता है। हमने इवेंट, दो इवेंट ले लिए, दो ऑब्जर्वेशन के लिए इवेंट ए, तीन ऑब्जर्वेशन के लिए इवेंट बी, दोनों का हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, हमने सम कर दिया, हमें आंसर जो है वो मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में करना क्या है। उम्मीद करता हूं आपको जो वीडियो है वीडियो समझ में आया, वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपके कन्फ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इसको फेसबुक देखें तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।